जरा आज देश में पहली बार बिना ड्राइवर के मेट्रो चलने वाली है। दिल्ली में चलने वाली ड्राइवरलेस मेट्रो में क्या खास है और ये मेट्रो कहां से कहां तक चलेगी, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मेट्रो में रेजोल्यूशन कैमरे, रियल टाइम मॉनिटरिंग ट्रेन इक्विपमेंट, रिमोट हैंडलिंग, इमरजेंसी अलार्म के साथ कई एडवांस तकनीक का इंतजाम किया गया है। इस मेट्रो सेवा की शुरुआत 37 किलोमीटर लंबे मजेंटा रूट पर होगी, जो बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट तक जाता है। ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर करने का एक्सपीरियंस कैसा होगा, इसे महसूस करने के लिए यात्री भी खासे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 100वीं किसान रेल को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये ट्रेन महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। आज शाम 4:30 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को रवाना करेंगे। इस खास मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। मल्टी कमोडिटी ट्रेन सेवा में फूल गोभी, शिमला मिर्च, गोभी, ड्रमस्टिक मिर्च, प्याज जैसी सब्जियां होंगी। साथ ही अंगूर, संतरा, अनार, केला और कस्टर्ड, सेब जैसे फल भी ले जाए जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने पहली किसान रेल इसी साल अगस्त में महाराष्ट्र में देवली से बिहार के दानापुर के लिए चलाई थी, जिसे अब मुजफ्फरपुर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल रेलवे 9 रूटों पर किसान रेल चला रहा। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी है। ऐसा क्या कहा है सीएम नीतीश ने जिस पर सियासी हलचल तेज हो गई है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक बड़ा बयान दिया। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। नीतीश कुमार ने दो टूक अंदाज में कहा कि मुझे अब सीएम नहीं रहना, एनडीए गठबंधन जिसे चाहे सीएम बना दे, बीजेपी का ही सीएम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी पद का मोह नहीं है। फिलहाल सीएम नीतीश के इस बयान को अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की बजाय बीजेपी में शामिल कराने की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। जेडीयू के प्रधान महासचिव ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने जो किया वो गठबंधन की राजनीति के लिए सही नहीं है। और वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल की जनता से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। राज्यपाल ने सीधे कहा कि 2021 में होने वाले चुनाव में जनता के पास बदलाव के लिए सुनहरा मौका है। सबसे बड़े उत्सव चुनाव में हिंसा होगी, हमें इसको तिलांजलि देनी है। हमें जो पीछे अब तक पश्चिम बंगाल की पहचान है उसको बदलना है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इस पर रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।